अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बता रही हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना, वैसे तो 6:30 बजे उठ जाता है, लेकिन अभी ये बज रहे हैं 8:30 सुबह के, तो ये अभी तक उठा नहीं है। मतलब ये चार्ज पे लगा हुआ है। चार्ज होने के बाद इसने जो तूफ़ान मचाना होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो तूफ़ान को शांत करने के लिए मैं लेकर आ गई लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में ये कर रहा है बहुत सारे मज़े। तो ये कुकिंग का सेट था, इसे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने उसको कुकिंग का सेट करने दिया, और आजकल वो कुकिंग बोलना सीख भी रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इस तरह से खेल रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों को लाइक गर्ल है तो दूसरी तरह ट्रीट करते हैं, और बॉय है तो उसे कुछ भी करने देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। दोनों बच्चों को हर चीज़ ट्राई करने दें, जिस भी एरिया में वो जाना चाहते हैं। इट डजंट मैटर कि वो बॉय है या गर्ल है। तो हम दोनों का मानना यही है, मेरे और मेरे हस्बैंड का, कि हम अपने बच्चों को हर चीज़ एक्सप्लोर कराएंगे, हर चीज़ करने देंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। बट हाँ, बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करें बच्चों को, आप उन्हें गाइड करें। टाइम टू टाइम आपको गाइड करना होगा। ऐसे नहीं सीख जाते हैं कोई भी चीज़ बच्चे। जैसे इसको ही देख लीजिए, मतलब ये इतना अच्छे से उस पर ही रख रहा है, वहाँ से ही उठा रहा है, इसने मुझे देखा है ना, तभी तो ये कर रहा है। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को जो भी बनाना चाहते हैं उनके सामने वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे ना, वो अपने आप वही चीज़ें करते रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने बहुत टाइम देना होता है बच्चों के साथ, तो अपने बच्चों के साथ वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, उन्हें उस जिस भी क्राइटेरिया में आप ले जाना चाहते हैं उन्हें प्रोवाइड करें वो सारी चीज़ें, तो अपने आप उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, और वो भी खुश और आप भी खुश। आपने मेहनत भी नहीं करी और आपका काम भी हो गया। तो होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस तरह से चीज़ें देख के, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा ना कि वो बॉयज रहता है, तो अगर वो उन्हें मार भी रहा है ना, तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चों का मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने बचपन में भी ना मेरे पर हाथ उठाया है, ना अब हाथ उठाया है। तो अगर पहली बार ही आप अपने बच्चों का कोई भी गलत बिहेवियर स्टॉप कर देंगे, फ़र्स्ट टाइम ही स्टॉप कर देंगे, तो वो कभी नहीं करेंगे। और फर्स्ट टाइम ही आप उन्हें स्टॉप नहीं करेंगे ना, तो फिर वो रिपीट करते रहेंगे। तो होप आप लोग को हेल्प हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।